के दिल के दौरे की है उम्र पर दिल धड़क रहे। दिल के दौरे की है उम्र और दिल धड़क रहे और दीपक पुराने बुझने के पहले फड़क रहे। देश में बूढ़ों का हाल हो गया ऐसा, चिमनी में नहीं तेल और शोले भड़क रहे। दोस्तों नमस्कार, कलम कैफे एक ऐसा मंच है जो हर शाम 5 बजे आपके लिए हंसी और ठहाके की एक महफिल लेकर आता है। हंसी फिर किसी भी प्रकार की हो, चाहे कविता से हो चाहे कॉमेडी से हो, हंसी हंसी होती है। हमारे इस मंच पर, कलम कैफे के मंच पर, आज देश के ऐसे सुप्रसिद्ध कॉमेडियन, हास्य कवि, टीवी कलाकार भाई हिमांशु बवंडर हमारे बीच में है, जिनकी कॉमेडी से हम आपको लोटपोट कर देना चाहते हैं। अगर आप भी लोटपोट होना चाहते हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर आपकी तालियां बुलाएं भाई हिमांशु बवंडर को। स्वागत हिमांशु। नमस्कार दोस्तों, जितना जमीन के अंदर उतना जमीन के ऊपर, मैं सुनामी लहर का बड़ा भाई हिमांशु बवंडर। कलम कैफे में आप सबका स्वागत करता हूं और अतुल भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने कैमरा दिखाया, आपने लाइट दिखाई, ये माइक दिखाया। इन लॉकडाउन के दिनों में इनके बिना कैसे दिन काटे साहब वो मैं जानता हूं, लेकिन ये देख के मैं इतना खुश हो रहा हूं जैसे कोई शराबी बियर बार देख के खुश होता है। भैया ने बोला मैं कॉमेडी करता हूँ, हाँ मैं कॉमेडी करता हूँ, लेकिन आज एक भेद की बात आपको बताता हूँ। पहले मैं कॉमेडी नहीं करता था, पहले मैं गाने गाता था। मैंने मेरे शादी में महिला संगीत में गाना गाया। अच्छा। पीछे से गधा चिल्लाने लगा, कोई भी नहीं दिखा सामने, ससुर जी थे, मैंने उनसे कहा कि पापा जी इस गधे को चुप कराइए। वो ससुर जी पलट कर वापस बोले वो भी यही बोल रहा है। मतलब सर, हमारे देश में सब गड़बड़ है। हमारे हिंदुस्तान में दीवार पर लिखना मना है, ये बात भी दीवार पर लिखकर बताई जाती है। सर अतुल भैया, आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, हमारे यहाँ डॉक्टर अच्छा हो ना हो, उसकी सेकंड हैंड कार जरूर अच्छी होती है। स्थितियां इतनी खराब है जिसकी कोई हद नहीं। और कविता की क्या बात करें साहब, कविता संस्कार देती है, पर लोग बाग बोलते हैं बच्चों को संस्कार दो, मैं बोलता हूँ बूढ़ों को संस्कार दो। सही बात है, आजकल बूढ़ों के जो हाथ पांव हैं वो कुदरती वाइब्रेट मोड पे आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लाउड मोड से डीएक्टिवेट होना ही नहीं चाहते। इसी कड़ी में 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूँ के दिल के दौरे की है उम्र पर दिल धड़क रहे। दिल के दौरे की है उम्र और दिल धड़क रहे और दीपक पुराने बुझने के पहले फड़क रहे। देश में बूढ़ों का हाल हो गया ऐसा, चिमनी में नहीं तेल और शोले भड़क रहे। मैं आपको हकीकत बात बताता हूँ, आप बच्चों से भी कुछ नहीं बोल सकते, आप देश में किसी से कुछ नहीं बोल सकते। आप बोलो नेता नहीं सुन रहे, नेता नहीं सुन रहे, नेता को क्या बोले साहब, जब खुद की सगी बीवी नहीं सुन रही तो दूसरों से अपन क्या उम्मीद रख सकते हैं। ये कलम कैफे एक ऐसा मंच है जो आपके चेहरों पर मुस्कान लाता है, टेंशन देने के लिए तो आपके सगे रिश्तेदार ही काफी है। सही बात है, वो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। वो मेरे को तो पता है, अभी कोरोना के दौर में एक लड़के ने अपने फूफा जी को फोन लगाया। अच्छा। बोले फूफा जी मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। तो उन्होंने तुरंत बोले विमला की लड़की की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई है, तू बोले तो दोनों के गुण मिला ले और 50-50 में शादी निपटा ले। अपन किससे बोलने जाओ, मैं तो भर्ती था, हालांकि मुझे कोरोना नहीं हुआ था। अच्छा। मैं एक शूटिंग में जोर जोर से चिल्लाया तो मेरा बीपी लो हो गया, मैं भर्ती था। सर एक नर्स बड़ी कमाल की थी। अच्छा। मैंने उसको देखकर बोला कि पत्ती पत्ती गुलाब हो जाती
हर कली महक कर ख्वाब हो जाती, और तुमने डाली ना महफिशा नजरे, वरना शबनम शराब हो जाती। आहा आहा नहीं मेरी, आहा आहा निकली, क्योंकि वो पलट के बोली, आइयो जी हम केरल से हैं, हमको हिंदी थोड़ा काम आता है। हम क्या करें, कहाँ जाएं, सब इतने एक्सपर्ट। वो तो मेरे दोस्त ने अपने बच्चे को दादी के पास छोड़ दिया, वो दिन भर टीवी देखे, तो दादी ने बोला, बोले नालायक क्या टीवी देखता रहता है, आ मेरे साथ बात कर। दादी क्या बात करे, ले देखे हम पांच ही तो है घर में। बोले पांच कैसे, बोले एक आप, एक मैं, दीदी, पापा और मम्मी, और ये बिल्ली। बोले कोई बात नहीं बेटा, कल तेरे पिताजी से बोल दूंगी तो वो एक डॉगी लेकर आ जाएंगे, अपन छः हो जाएंगे। हाँ पर वो डॉगी इस बिल्ली को खा जाएगा, अपन फिर पाँच हो जाएंगे। बोले बेटा तू चिंता मत कर, तेरी शादी होगी, तेरी बीवी आएगी, हम फिर छः हो जाएंगे। तो बोले आ दादी, फिर ये दीदी की विदाई हो जाएगी, हम फिर पाँच हो जाएंगे। बोले बेटा तू क्यों चिंता करता है, तेरी शादी होगी तो तेरे भी आंगन में किलकारियाँ गूंजेगी, तेरे भी बच्चे होंगे, हम फिर छः हो जाएंगे। वो लड़का तुरंत बोला, फिर तुम निकल लोगी, हम फिर पाँच के पाँच। वो दादी ने बोला, जा नालायक निर्लज्ज, तू जाके टीवी ही देख, वही अच्छा था। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, हमारे देश में कोई सुधरने को तैयार नहीं, अतुल भैया कोई सुधरने को तैयार नहीं। मैं चार पांच पंक्तियां आपके बीच में रखता हूँ कि हर व्यक्ति की स्थिति एक जैसी हो गई है। हम किसके बोले लोग बाग आतंकवाद का टेंशन पालते हैं, सर हमारे बच्चे नहीं पल रहे उनसे ठीक से। कोरोना के दौर में स्कूल वालों ने फुल फीस ली, पढ़ाया ऑनलाइन। मेरा एक दोस्त है, उसके बच्चे ने तो बोल दिया, बोले ऑनलाइन मैं पढ़ूंगा नहीं, मोबाइल तोड़ के फेंक दो। बोले क्यों, बोले कल मैडम बोल रही थी चार और चार आठ होते हैं। तो उसके पिताजी ने बोला, बोले वो सही बोल रही थी, चार और चार आठ होते हैं। बोले वो आज ये बोल रही थी पांच और तीन भी आठ होते हैं। बोले जब वो वहां बैठे बैठे खुद कंफ्यूजन में है, मेरे को क्या पढ़ाएगी। आप किसी से कुछ भी नहीं बोल सकते सर, और देश में स्थितियां हर जगह खराब है। वो तो मुझे पता है कि एक दिन एक DEO साहब, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, एक स्कूल का इंस्पेक्शन करने पहुंचे, एक बच्चे को उठाया, बोले दो का पहाड़ा सुना, बच्चा ऊपर से लेके नीचे तक देखा और फुल कॉन्फिडेंस से बोला, नहीं आता है। बोले नालायक तू पांचवी में है, तेरे को दो का पहाड़ा नहीं आता है, स्कूल से नाम कटा दूंगा। बोले नहीं कटा सकते। बोले क्यों, बोले मैं इस स्कूल का छात्र हुई नहीं, छात्र तो मेरा बड़ा भाई है, वो बकरी चराने गया है, उसने बोला अधिकारी आएंगे तू चला जा। तम तमाते हुए अधिकारी महोदय मास्टर जी के पास पहुंचे, बोले मास्टर जी फर्जी बच्चा बिठा रखे हैं, नौकरी खा जाऊंगा। बोले नहीं खा सकते। बोले क्यों, बोले मास्टर तो मैं भी नहीं हूं, मास्टर मेरे ताऊ जी हैं, वो गए हैं गांव से दूर शहर में शॉपिंग करने के लिए, उन्होंने कहा था अधिकारी महोदय आएंगे तो मैं आ गया। तम तमाते हुए अधिकारी महोदय पहुंचे प्रिंसिपल प्राचार्य के पास में, प्राचार्य जी आपके स्कूल का रजिस्ट्रेशन रद्द। प्राचार्य जी ने हाथ जोड़े, विनम्रता से बिठाया, एक ग्लास पानी दिया और ड्रॉज में से निकाल के 100-100 की 10,000 वाली गट्टी, और विनम्रता से बोले, महोदय प्राचार्य तो मैं भी नहीं हूँ, प्राचार्य मेरे बड़े पापा हैं, वो शादी की तैयारी में बिजी हैं, उन्होंने कहा अधिकारी आएंगे तो मैं आ गया। घटना तो अब, अधिकारी महोदय ने वो 10,000 की गड्डी रखी और नकली प्राचार्य से मुस्कुराते हुए बोले, बोले देखो असली DEO अधिकारी तो मैं भी नहीं हूं, क्योंकि अगर वो आ जाता तो 50,000 रुपए से कम में मानता ही नहीं। गड़बड़ इस देश में तब हुई जब बाहर तंबाकू रगड़ता हुआ प्यून मिला, उसने बोला, बोले सर पैसे गिन लिए। बोले हाँ 100-100 के 100 हैं पूरे 10,000। बोले भले आदमी, जिस स्कूल में बच्चे से लेके प्रिंसिपल तक सब फर्जी हैं, ये तेरे को नोट असली दिए होंगे, इस बात की क्या गारंटी है। तो मित्रों इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि नोट असली मिले या नकली, लेकिन इस बात की गारंटी जरूर है कि रोज शाम 5 बजे कलम कैफे आप देखिए, आपके थके हुए चेहरों पर मुस्कुराहट आएगी, इस बात की 101% गारंटी है।
मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत बहुत आभार।